हेलो गाइस, वेलकम टू डेल्टा पैक सेट। कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में सबसे सस्ती सीएनजी ऑप्शन वाली कार। वैसे तो इस सेगमेंट में और भी बहुत कार्स आती है, बट जो एसयूवी वाली फील की हम बात कर रहे हैं ना, वो आपको सिर्फ इसी कार में देखने को मिलेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा पंच की। एंड गाइस, आज हमारे पास है इसका बेस वेरियंट यानी कि टाटा पंच प्योर। ये कार टोटल 5 वेरियंट में आती है सीएनजी में। एंड जो इसका बेस वेरियंट है, ये आपको कॉस्ट करता है 7,09,900। एंड वहीं बात करूं उसके टॉप वेरिएंट की, विच इज पंच एकम्प्लिश डेजल पैक, वो आपको कॉस्ट करता है 9,67,900 एक्शोरूम। ये इसके एक्शोरूम प्राइजेस हैं गाइस। ऑन रोड प्राइस जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इस कार के ऑन रोड प्राइस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सो गाइस, बात करें टाटा पंच बेस मॉडल की, तो इस कार में ऐसा स्पेशल क्या है? बात करते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट प्रोफाइल कार का हैरियर बेस्ड है, फ्रंट फेशिया बिल्कुल इसका हैरियर जैसा लगता है। एंड इस कार को देख के कहीं ना कहीं आपको हैरियर वाली फील, मिनी हैरियर वाली फील आने वाली है। बात करते हैं इस कार में मिलने वाले हेडलाइट सेटअप की, तो इस कार में आपको DRL देखने को नहीं मिलता बिकॉज ये बेस वेरिएंट है। आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट ऊपर ही दी गई है। इसके अलावा हैलोजन में ही आपको इसका हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है। बेस वेरिएंट है इसीलिए फॉग लैम्प नहीं मिलता आपको, बट फॉग लैम्प की हाउसिंग आपको जरूर मिल जाती है, तो आप आफ्टर मार्केट कहीं से भी इसका फॉग लैम्प फिट करा सकते हैं। बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर में स्ट्रिप्स देखने को मिलेगी। उसी के साथ सेंटर में टाटा की बैजिंग एंड ट्राई एरो पैटर्न के पीछे आपको हॉर्न की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ इसकी ग्रिल में भी आपको ट्रायरो डिजाइन देखने को मिल जाएगा। सो फ्रंट प्रोफाइल से ये कार काफी ज्यादा अच्छी लगती है एंड मैं तो कहूंगा अपने सेगमेंट की ये वन ऑफ द बेस्ट गुड लुकिंग कार में से एक है। बात करते हैं कार की साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल से कार का लुक कुछ इस तरीके से आता है एंड कार की प्रॉपर डायमेंशन आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा बात करें इस कार में मिलने वाले टायर साइज की, तो बेस वेरिएंट में आपको 15 इंच के टायर दिए गए हैं एंड इसकी प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो 185/70 R15 बेस वेरियंट से ही आपको 15 इंच के टायर प्रोवाइड किए जाते हैं यार, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड इसके अलावा जो आप ये क्लाइडिंग देख रहे हो, ये फुल बॉडी क्लाइडिंग लास्ट तक जाती है, जो कि कार को एक प्रॉपर SUV वाला लुक देती है। इसके अलावा इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको ORVM में ही देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है अगेन। एंड ब्लैक कलर में, मैट ब्लैक कलर में आपको उसके ORVM देखने को मिल जाते हैं। एंड वहीं आपको डोर हैंडल भी ब्लैक कलर में ही प्रोवाइड किए जाते हैं बेस वेरिएंट में। इसके अलावा आपको रूफ रेल्स बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलती। साइड प्रोफाइल अगर कार की मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। कार में मिलने वाली ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूं तो सेम पेट्रोल वेरिएंट की तरह इसमें भी 187 की ग्राउंड क्लियरेंस की मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस में बिल्कुल भी कमी नहीं की गई, हालांकि एक CNG वेरिएंट है, नॉर्मली CNG प्लेसमेंट होने के बाद कार की ग्राउंड क्लियरेंस में इम्पैक्ट पड़ता है, बट बहुत अच्छी चीज़ टाटा ने ये करी है। टाटा ने इसकी सस्पेंशन ऐसे ट्यून किए गए हैं कि इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस पेट्रोल वेरिएंट में मिल रही थी, वही ग्राउंड क्लियरेंस आपको CNG वेरिएंट में भी दी गई है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब चलते हैं, देखते हैं इस कार का सबसे मेन और सबसे अट्रैक्टिव फीचर, जो आपको और किसी CNG कार में देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस, यस, मैं बात कर रहा हूँ इस कार में मिलने वाले बूट स्पेस की। तो जैसा कि आप डिस्प्ले में देख ही रहे हो, इन्होंने ऑलरेडी इसमें एक बड़ा सूटकेस प्लेस किया हुआ है यहाँ पे एंड इसके साथ साथ एक अच्छे साइज का डफल बैग प्लेस किया हुआ है। तो आप देख रहे हो कि कितना बूट स्पेस आपको प्रैक्टिकली इस कार में देखने को मिल रहा है। तो अगर आप छोटी मोटी ट्रिप प्लान करते हो, एक जो कि नॉर्मली लोगों को क्या होता था, CNG कार लेते थे बट लगेज की वजह से वो इस कार को आउट स्टेशन ले जाते समय 10 बार सोचते थे कि हमारा लगेज कहाँ पे प्लेस होगा, वो दिक्कत इस कार में नहीं आने वाली। आप देख रहे हो सफिशिएंट लगेज आप इस कार में कैरी कर सकते हो। इसके अलावा जो सिलेंडर की प्लेसमेंट है वो इसके नीचे की गई है एंड यहीं से आपको एक स्क्रू दिया गया है जिसके थ्रू आप अपना स्पेयर टायर एक्सेस कर सकते हो। सो गाइस, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको और किसी ब्रांड में आप जाते हो CNG ऑप्शंस मिल जाएंगे बहुत उसमें, बट ये फीचर्स आपको और किसी ब्रांड में ऑफर नहीं किया जा रहा। रेयर लुक हमने कार का पहले भी अपनी वीडियोस में देखा हुआ है, रेयर लुक आप फिर से देख सकते हो कार का। से कार कुछ इस तरीके से लगती है, आपको टेल लाइट में हैलोजन का ही सेटअप इन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा सेंटर में यहाँ पे टाटा की बैजिंग, नीचे आपको पंच की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। वाइपर डिफॉगर बेस वेरिएंट पे नहीं मिलते। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट आपको वहाँ पे है, CNG की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा 2 रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को मिलेंगे नीचे एंड 2 रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट यहाँ की गई है। CNG की बैजिंग आप देख सकते हो यहाँ पे। अब चलते हैं कार के अंदर एंड देखते हैं कार का अंदर से इंटीरियर कैसा है।
सो गाइस डोर ओपन होते ही सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करोगे वो है इसके ये 90 डिग्री ओपन होने वाले डोर। आप देख सकते हो कितना वाइड ओपन होते हैं डोर और आप इजीली इस कार में बैठते हो और इस कार से उतर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है आपके लिए इस 90 डिग्री डोर ओपनिंग की वजह से गाड़ी में चढ़ना और उतरना। बात करें ड्राइवर साइड डोर की, तो ड्राइवर साइड डोर में आपको ड्यूल टोन में डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। बेस वेरियंट है तो सिर्फ फ्रंट में ही पावर विंडो दिए गए हैं। उसके अलावा आपको बेस वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल का फीचर भी नहीं मिलेगा। हाइट एडजस्टेबल फीचर आपको सिर्फ इसके टॉप वेरिएंट में देखने को मिलेगा। इसके आप एक अपर में भी जाते हो एडवेंचर में, उसमें भी एडजस्टेबल का फीचर नहीं दिया गया। तो हाइट एडजस्टेबल का फीचर चाहिए तो आपको उसके लिए टॉप वेरिएंट में जाना पड़ेगा। अब चलते हैं कार के अंदर एंड देखते हैं कार का अंदर से इंटीरियर कैसा है। सो गाइस आप देख सकते हो कार का अंदर से इंटीरियर कैसा है। अंदर भी इन्होंने ड्यूल टोन का यूज़ किया गया है, वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ ज़्यादा ओवर करने की कोशिश नहीं की गई, बहुत सिंपल बहुत डिसेंट सा इंटीरियर है कार का, जो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पर ज़्यादा ओवर कर दिया गया है कार के साथ। बहुत ही प्यारा लगता है। एंड बात करूं कार में मिलने वाले ग्लव बॉक्स की, तो इस कार में आपको डिसेंट साइज़ का एक ग्लव बॉक्स ऑफर किया जाता है। कूल ग्लव बॉक्स का ऑप्शन बेस वेरिएंट में नहीं मिलता था। इसके अलावा बात करूं कार के स्टीयरिंग व्हील की, तो कार में आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग देखने को मिलेगा। बेस वेरिएंट है, कोई भी ऑप्शन स्टीयरिंग व्हील में नहीं देखने को मिलेंगे। सेंटर में आपको टाटा की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कार स्टार्ट करके मैं आपको इसका एक बार मीटर चेकआउट कराता हूँ। सो गाइस पहले जो चीज़ आप मिस करते थे पंच में, इस बार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज कर दिया गया है। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको टियागो और एंट्रॉस में भी आपने देखा होगा, सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको टाटा पंच में भी देखने को मिलेगा। और अच्छी बात है कि आपको बेस वेरिएंट से इन्होंने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा बात करें बेस वेरिएंट में, पहले बता चुका हूँ इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलता। एंड यहाँ पे आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट की गई है। इस एसी वेंट्स में इन्होंने ये ब्लैक ग्लॉसी कलर का यूज़ किया, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। इसके अलावा मुझे पर्सनली टाटा के मैनुअल एसी का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। आपको वो पुराने वाले मैनुअल एसी वाली फील नहीं आती, बिल्कुल ऑटोमेटिक एसी वाला फील ये आपको देता है, काफ़ी अच्छा लगता है इसका मैनुअल एसी। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है जहाँ पे अपना थोड़ा मोटा सामान रख सकते हो। यहाँ पे आपको 5-speed गियर ट्रांसमिशन की प्लेसमेंट की गई है। एंड उसके साथ यहाँ पे भी आपको ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक कलर में फिनिशिंग दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है दिखने में। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट और यहाँ पे आपको एक 12 वॉट का सॉकेट दिया गया है। अगर आप इसके अपर वेरिएंट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग टाइप सी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सीट्स कंफर्ट के बारे में मैं पहले भी अपनी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, सीट्स कंफर्ट कार का बहुत अच्छा है। थाई सपोर्ट भी कार में काफ़ी अच्छा है। एडजस्टेबल हेडरेस बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं आपको फ्रंट सीट्स में, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड रीडिंग लैंप आपको हैलोजन में देखने को मिलता है। अगर आप इसके अपर वेरिएंट्स में जाओगे, टॉप वेरिएंट में जाओगे, तो यहाँ पे आपको एलईडी में रीडिंग लैंप दिया गया है। इसके अलावा कार्ड होल्डर आपको ड्राइवर साइड देखने को मिल जाएगा। को पैसेंजर साइड वैनिटी नहीं मिलता। एंड इस कार में पहले 3 ग्रैब हैंडल आते थे, बट अभी 1 ग्रैब हैंडल हटा दिया गया है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि कंपनी ने टॉप मॉडल में आपको सनरूफ प्रोवाइड किया है, मे भी हो सकता है उसकी वजह से वो ग्रैब हैंडल वहाँ से हटाओ, बट अभी फ़िलहाल आपको 2 ग्रैब हैंडल मिलते हैं रेयर में। सो गाइज ऑनेस्टली बात करूँ तो ये कार काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाती है, बिकॉज वी ऑल नो हमारे यहाँ की रोड कंडीशंस कैसी है। एंड ये कार आपको एक बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। एंड प्लस जो SUV वाला फील की हम बात करते आते हैं, सेगमेंट में और भी कार्स मिल जाएगी आपको इसके बराबर, बट वो फील आपको नहीं मिलने वाला जो इस कार में आपको फील आएगा। 5-star सेफ्टी रेटिंग के साथ ये कार आती है एंड बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी आपको इस कार में मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल प्रोडक्ट बन जाता है। और अगर आप सोच रहे हो CNG कार लेना, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल से आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इस कार के बारे में आपको कोई भी इंक्वायरी पता करनी हो, इस कार की टेस्ट ड्राइव बुक करनी हो और इस कार के ऑन रोड प्राइस जानने, तो आप इनसे पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से तो यार आपको इस कार की तरफ एक बार जरूर देखना चाहिए, बिकॉज बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।